बलरामपुर हरैया सतघरवा विकासखंड क्षेत्र इडोनेपाल बॉर्डर के समीप ग्राम पंचायत लंबी कोहल मजरा केवलपुर प्राणपुर ब्रजबासीपुरवा बरगदपुरवा भरपुर चेतिया चरणगहिया रहटावल बहावरपुरवा गांव में आज़ादी के बाद भी आज तक इन गांवों में पहुंचने के लिए पहाड़ी नाले से होकर जाना पड़ता है। इन गांवों में उजाली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों के लिए जंगली जानवरों के खतरे से हमेशा भय बना रहता है। यहां पर आज भी ग्रामीण अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि अब देश के सभी गाँवों में बिजली पहुँच चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट में सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को जानकारी दी थी कि मैं इस बात से खुश हूँ कि अब भारत के हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है। श्यामा श्यामा कौन गांव हुई? केवलपुर। अच्छा तो का समस्या था रहे? समस्या है कि ये गांव में लाइट ना है, ना पुल बंधा है, ना कौन है, तो मैं कौन मेरे के हंसरे जावा जाए। अच्छा कत्ते दिन से लाइट नहीं है? बहुत दिन होगा लाइट है, मन आई है। मैंने जब जब जरूरत आवा था जरूरत लेकर चला जाता है, पुल नहीं बंद हुआ था, ना लाइट देता है। जब से ये गाँव में तो लाइट नहीं देखी? हाँ नहीं देखे। और कोई कही मैंने विधायक उधायक से? हाँ बहुत कहे लेकिन कोई नहीं सुना। अच्छा हाँ वो सब चले जाते। तो अभी की का हुई? हम तो चाहे थे कि लगवा दें। और ना लगी तब? ना लगी तब जो हुए जो हमें सबका सोचना हुए तो हम करब। अच्छा वोट ना देबो? हाँ वोट ना देबो। तो विधायक जी का करवाए दें काम तब वोट मिली विधायक जी का? वो काम करवा दें तब वोट दे, नहीं तो ना दे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।